हाँ जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार से चैनल नॉलेज विदर्शित में। हरियाणा बोर्ड नई अपडेट, धमाकेदार नोटिस जारी, अभी देखो वरना पछताओगे। हाँ जी, हरियाणा प्रदेश शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक धमाकेदार अपडेट जो आ रही है आप सभी के लिए और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छठी से बारहवीं तक के बच्चों के लिए जो HBSC में पढ़ते हैं सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर आई है। तो अपडेट क्या आई है तो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके प्रेस कर लें ताकि आपको हर अपडेट HBSC की टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब खबर की ओर चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि नैतिक शिक्षा के साथ बच्चे पढ़ेंगे गीता के 18 अध्याय भिवानी। विद्यार्थियों में सामाजिक गुण डालने व उनकी आदतों को सुधारने के उद्देश्य से कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक नैतिक शिक्षा विषय अब अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। हिंदी विषय की परीक्षा के साथ ही नैतिक शिक्षा के 10 अंक के प्रश्न होंगे। इसकी सारी तैयारियां हो गई हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को गीता के 18 अध्याय पढ़ने को मिलेंगे। अध्याय के साथ साथ महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, पारंपरिक संस्कृति, मूल्यों व पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी बच्चों को जानने का मौका मिलेगा। शिक्षा के लिए बदलावों की जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जगबीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को न केवल गीता का ज्ञान दिया जाएगा, साथ ही आज़ादी के बाद का इतिहास भी उन्हें वर्ष 1997 तक हरियाणा में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसकी किताबें भी जल्द ही बच्चों के हाथों में होंगी। बोर्ड स्कूलों को ये किताबें कम कीमत पर उपलब्ध करवाएगा। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि नैतिक शिक्षा का सिलेबस हिंदी और संस्कृत के अध्यापक पढ़ाएंगे। यह प्रश्न 10 नंबर के होंगे। इसी सतर से नई व्यवस्था लागू कर दिया गया है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया है कि कक्षा 6 में गीता के पहले 3 अध्याय होंगे। इसी तरह 7वीं में से 11वीं तक हर कक्षा में 3-3 अध्याय पढ़ने होंगे। कक्षा 12वीं में 18 के 18 अध्यायों का को श्लोक में पढ़ा जाएगा। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि नई अपडेट जो है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आई है। तो मैं आपको एक बार सारा समराइज़ कर देता हूँ। अब दो परिवर्तन जो है वो किए गए हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो ये किया गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक हिंदी के साथ साथ अब आपका जो है वो 10 नंबर का 80 में से 10 नंबर का एक नैतिक शिक्षा जो है वो उसका एक सब्जेक्ट बना दिया गया है और उसका अब 10 नंबर का पेपर होगा इसी सेशन से 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए। हाँ जी, इसी सेशन से आपका एक 10 नंबर का अलग 10 नंबर का उसी के अंदर जो है वो नैतिक शिक्षा के प्रश्न आएंगे। जैसे 11वीं और 12वीं में अभिव्यक्ति और माध्यम के आते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम 10 नंबर के भी जो है वो अब नैतिक शिक्षा के भी प्रश्न आएंगे और हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। और एक नया परिवर्तन और एक ये किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब कक्षा 6 से 12वीं तक जो है बच्चों को गीता पढ़ाई जाएगी। हाँ जी, गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा और वो मैंने आपको जैसे बता दिया है कि क्लास 6 में जो है वो 3 अध्याय और 7वीं से लेकर 11वीं तक हर कक्षा में 3-3 अध्याय पढ़ाए जाएंगे और फिर 12th में श्लोक पढ़ाए जाएंगे। काफ़ी अच्छा जो है परिवर्तन डॉक्टर जगबीर सिंह ने हरियाणा बोर्ड में किया है और वो इसी सेशन से जो है वो लागू होगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी। नए सिलेबस की जो नई पुस्तकें हैं वो जल्द ही जो है वो मार्केट में आ जाएंगी। बोर्ड अध्यक्ष ने अभी यही जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई भी सिलेबस और जानकारी ऐसे सामने पर्टिकुलर नहीं निकल के आई है। तो जैसे ही कोई भी सिलेबस या फिर गाइड रिगार्डिंग जानकारी आएगी तो मैं आपको सबसे पहले जो है वो जानकारी दे दूंगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस अपडेट का पता चल सके। धन्यवाद।